अच्छे बॉस बनो, इसके बारे में आज मैं बातचीत करने वाला हूं। आप बड़े उद्योजक होंगे, आपकी बड़ी कंपनी होंगी, या आप बड़े पद पे काम करते होंगे। यदि आपकी प्रगति करनी है, बड़ा बनना है, कंपनी बड़ी बनाने की है, तो आपको आपके कर्मचारी जो है, आपका जो स्टाफ है, आपके जो सहकारी है, उनकी साथ मिलना बहुत जरूरी है। और ये आपको मालूम है, तभी भी लोग उसके ऊपर काम करते नहीं है। क्या होता है कि बिजनेस ही अकेले का काम नहीं है, बिजनेस है बहुत लोगों का मिलकर काम है। व्यवसाय ठीक है, प्रोफेशनल आदमी ठीक है, अकेला काम करता है। ये मालूम होते हुए भी लोग अपने कर्मचारियों का मन जान के लेते नहीं है। और बहुत बार ऐसा होता है कि कर्मचारी या स्टाफ या अपने हाथ के नीचे काम करने वाले लोग वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि लोग अपने काम को नहीं छोड़ते, लोग अपने खड़ूस बॉस को छोड़ देते हैं। लोग कम तनख्वाह मिली तभी लोगों को चलता है कि भाई एक बार कम तनख्वाह मिली तो चल जाएगा, मगर खड़ूस बॉस यदि रहा, यदि बॉस बहुत नेगिंग रहा, टारगेट करने वाला रहा, तो उसके नीचे उनका मन जो चल भी चल हो जाता है, नाखुशी आती है, फिर उसके लिए वो अपने मन से काम करते नहीं है और फिर वो जॉब छोड़ के चले जाते हैं। ऐसा बोला जाता है कि यदि आपने एक कर्मचारी के ऊपर एक बार गुस्सा किया तो आपने उसे 3 गुना ज़्यादा उसकी तारीफ करना जरूरी है, क्योंकि हर आदमी तारीफ का भूखेला है, हर आदमी को अप्रिसिएशन चाहिए, उसका ईगो जो है वो अच्छा उसको लगना चाहिए, और उसको मतलब ऐसा लगना चाहिए कि हाँ मैं ये कंपनी में काम का हूँ और मेरे कारण ये कंपनी चल रही है, मेरे कारण ये कंपनी की प्रगति हो रही है, उसमें मेरा हिस्सा है, ऐसा उसको लगना चाहिए। और जब उसको ऐसा लगता है तो वो वहाँ टिकता है। और ये बात जो है ना, अच्छे बॉस है उनको मालूम है कि भाई नहीं, अपने कर्मचारियों को आप डांटते हो, आप उनको फटकारते हो, तो उसके 3 गुना ज़्यादा उनकी तारीफ करना जरूरी है। अच्छे बॉस लोगों को मालूम रहता है, वो करते रहते हैं, इसलिए उनके हाथ के नीचे लोग टिकते भी हैं। कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए उनको अप्रिशिएट करना, पीठ थपथपाना, सबके सामने तारीफ करना, उनको कोई सर्टिफिकेट देना, उनको कुछ तो भी देना, ये जरूरी है, ताकि उनको लगता है कि नहीं, मेरे काम का अप्रिसिएशन हुआ है। आप इस प्रकार कर्मचारियों का मतलब उनको शाबाशी दे सकते हैं या उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं। जैसे उनको यदि अप्रिशिएट करना है तो सबके सामने अप्रिशिएट करो, यदि उनको चिल्लाना है, गुस्सा करना है, तो अकेले में करो। जब आप तारीफ करते हो तो बहुत ज़्यादा लंबी चौड़ी तारीफ करने की ज़रूरत नहीं है, एकदम कम शब्दों में सबके सामने आप तारीफ कर सकते हैं। कभी कभी उन्होंने अच्छा काम किया हुआ है तो तारीफ तो करो ही, और उनको धन्यवाद भी दो, आभार मानना बहुत ज़रूरी है, उनको वो भी अच्छा लगता है। मीटिंग में उनके काम की दखल लेना जरूरी है, और मीटिंग में भी उसका मतलब कमेंट उसके ऊपर करना और उसको अप्रिशिएट करना, उसको एक्नॉलेज करना वो काम के लिए, वो मीटिंग में भी बहुत ज़रूरी है। बीच बीच में सहल पार्टी का आयोजन करना, खान पान का आयोजन करना, कभी बाहर घूमने लेके जाना लोगों को, एक साथ छुट्टी मनाने के लिए लेके जाना, तो ये भी बहुत ज़रूरी है। कभी कभी आप उनको जो लगती है चीज़, उनको जो ज़रूरत है, ऐसी चीज़ उनको आप भेंट वस्तु करके दे सकते, भले वो छोटी का ना, मगर आप उनको दिए तो उनको अच्छा लगता है। आप धन्यवाद देते हो, उसके साथ साथ ग्रेट जॉब, वेल डन, बहुत अच्छा किया, ऐसा बोल के उनकी पीठ आप थपथपा सकते हैं। आप उनको जवाबदारी दो, उसके साथ साथ अकाउंटेबिलिटी भी दो, और उनको रिजल्ट्स बोलो कि मुझे क्या रिजल्ट्स अपेक्षित है और रिजल्ट मिलना चाहिए, ये भी उनको बताओ। आप उनके ऊपर विश्वास डालते हैं और उनको ट्रेनिंग देके जिम्मेवारी देते हैं, तो वो काम लेने में बहुत उत्सुक रहते हैं और वो काम जिम्मेवारी से बाहर करते हैं। अच्छा बॉस ऐसा इसका मतलब नहीं है कि भाई बहुत मीठी मीठी बात कर रहे हैं, उसको अच्छा बॉस नहीं है। जो बॉस अपने कर्मचारियों को अप्रिशिएट करता है, काम की दखल देता है, उनका विकास कैसा होगा, उनका ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कैसा होगा, उसके ऊपर ख्याल देता है, तो वो एक अच्छा बॉस करके माना जाता है। डेल कार्नेगी, इन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि लोग पैसे के लिए काम करते हैं, ये बराबर है, मगर उसके साथ साथ ज़्यादा महत्व का जो है वो उनकी तारीफ करना, उनकी पीठ थपथपाना, उनको अच्छा लगना, ये बहुत महत्व का होता है। यदि आप करते हैं तो आपके कर्मचारी आपके साथ साथ कंधे को कंधे लगा के काम करेंगे, और जब टीम करके काम करते हैं तो प्रगति बहुत अच्छी होती है। तो इसलिए अच्छे बॉस बनो और आपकी खुद की प्रगति कर लो। थैंक यू वेरी मच।